तो कैसे हो भाई लोग। तो काफी सारे एक्साइटिंग चीजें चल रही है टीम इंडिया के साथ। तो जहाँ पे T20 सीरीज में हम जीत चुके हैं, वहाँ पे ओडीआई का शुरुआत ऐसा कुछ हुआ कि जहाँ पे नहीं जीते नहीं हारे बीच में आके रुक गए। तो मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका वर्सेस इंडिया की। जो इंडिया का टूर चल रहा है श्रीलंका वर्सेस इनके श्रीलंका में टूर चल रहा है टीम इंडिया का, उसमें T20 की जो सीरीज थी वो हम जीत चुके हैं। पर जो ओडीआई सीरीज स्टार्ट हुई उसमें पहला मैच कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे 230 रन बनाने थे, यानी कि 230 रन बनाने थे, वहां पे टीम इंडिया से बने नहीं और टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। यानी कि आप समझो कि आखिरी एक रन चाहिए और 14 गेंदे हैं। वहां पे मोहम्मद सिराज और अर्शदीप जहां पे खड़े हैं, भाई साहब मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हम जीत जाएंगे या तो कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो हमने देखा नहीं था। पर ये चीज होगी हमने नहीं सोची थी, क्योंकि 14 बॉल यानी कि 14 बॉल्स अभी बाकी है और एक रन चाहिए। तो आप प्लेड करके सीधे तरह से आप खेल लो ना भाई, शॉट किधर घुमाने जा रहे हो। पर कहीं ना कहीं ये चीज जो होती है वो कहीं ना कहीं हम लक बाय चांस और काफी सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं इसके साथ, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो मुझे लगता था कि पहली मैच है कुछ अनोखी चीज होगी, जैसा कि हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं तो हम ये सीरीज भी जीत जाएंगे। होपफुली T20 तो हम जीत चुके हैं पर ओडीआई भी जीत जाएंगे। पर 3 मैच की सीरीज है, उसमें से पहला मैच आप हार गए हो तो डेफिनेटली आपको 2 मैचों में से दोनों जीतनी पड़ेगी सीरीज जीतनी है। तो या तो एक एक जीत लिए तो फिर से मैच ड्रॉ हो जाएगी और श्रीलंका 2 जीत जाएगी तो वो ओडीआई चैंपियनशिप बन जाएगी सीरीज के। तो होपफुली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लेयर्स के माइंडसेट में अभी भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जो फटाफट से खेल के हम खत्म कर देंगे ऐसा नहीं होता। ओडीआई में आपको काफी सारी चीजें सोचनी पड़ती है और 50 ओवर्स में आपको 50 ओवर के जैसे खेलना पड़ता है। कई जगह पे स्लो खेलना पड़ता है, कभी कोई जगह पे फास्ट खेलना पड़ता है, रन रेट के हिसाब से चलना रहता है। पर जब ऊपर के ही प्लेयर्स कुछ काम नहीं कर सकते तो नीचे के प्लेयर्स से तो हम क्या ही उम्मीद रखें। यानी कि वो बॉलर्स है, बॉलर्स ने अपने काम, अपनी जो बोलते हैं ना कि नीस होती है उसमें अपना काम कर दिया। तो बॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हम बैटिंग में नहीं दे सकते, पर जो बैटर्स है जो एक्चुअली में उनको बैटिंग करके जो रन बनाने हैं वो बैट्समैन ही कुछ नहीं कर सकते। तो बॉलर से हम कुछ एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। तो गौतम गंभीर के हेड कोच के अंडर काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। तो होपफुली ये भी सारी जो चीज़ें जो बिगड़ी हुई है वो सारी चीज़ें आगे टाइम रहते रहते सब कुछ चेंज होगा। तो होपफुली हम भी यही चाहेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी हो टीम इंडिया के साथ, और जैसे कि T20 वर्ल्ड कप जीता वैसे ही सारी चीज़ चैंपियनशिप और 4 सारे वर्ल्ड कप्स और काफ़ी सारी चैंपियनशिप आ रही है आगे, तो सारी चीज़ें हम जीते और काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन का मौका मिले। तो वो सारी चीज़ें ऑफकोर्स हम चाहेंगे, पर ये जो चीज़ थी वो चली गई। पर अब नेक्स्ट यानी कि कल दूसरा ओडीआई मैच है, 1:30 को उसका ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होगा और होपफुली 3 बजे के आसपास जो बारिश नहीं हुई तो स्टार्ट हो जाएगा मैच। तो होपफुली सेकेंड मैच टीम इंडिया जीते और ओडीआई सीरीज भी टीम इंडिया जीत जाए, तो यही प्रे कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो वही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो लेट्स होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, न्यू व्यूअर्स हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल न्यू एंड एनर्जेटिक वीडियो के साथ, और जो न्यू ओल्ड व्यूअर्स हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो भाई साहब, आपका रिकमेंडेशन दो और आपके दोस्तों में फैमिली में काफ़ी सारे लोगों को शेयर कीजिए वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली को बढ़ाइए। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें करते रहेंगे और जो आपका सपोर्ट ज़्यादा हुआ तो हम फ्यूचर में काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं जो मेरे प्लान के हिसाब से वो सारी चीज़ें। तो लेट्स होप कि आपको भी मज़ा आए। तो फ्यूचर में सिर्फ जुड़े रहिए और आपका सपोर्ट बनाए रखें एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब में चलो। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे न्यू एंड एनर्जेटिक वीडियो के साथ। सी यू लेटर, बाय बाय, लेट्स गो।